दोस्तों आज इस वीडियो में देखेंगे लॉयड के एंड्रॉयड टीवी में किस तरह से फास्ट कास्ट के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, वीडियो को कास्ट कर सकते हैं, फोटो को कास्ट कर सकते हैं, सारी चीजें फास्ट कास्ट वाले ऑप्शन में देखने को मिल जाता है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं किस तरह से इसे हम लोग कर सकते हैं, किस तरह से इस एप्लीकेशन को यूज किया जाता है। चैनल पे पहली बार आना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह का टेक रिलेटेड एंड अनबॉक्सिंग से रिलेटेड वीडियो आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों सबसे पहले लॉयड के एंड्रॉयड टीवी में अपने फास्ट कास्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिलता है, क्रोम कास्ट, आईफोन शेयर, कास्ट लोकल मीडिया, क्यूआर स्कैनर, विंडोज पीसी एंड हॉटस्पॉट, इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपको एंड्रॉयड फोन का स्क्रीन मिरर करना है, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा अपने एंड्रॉयड फोन में। सिंपली कास्ट लोकल मीडिया वाले ऑप्शन पे जाएंगे, क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा, स्कैनर को ओपन करके इसे स्कैन करके डाउनलोड कर लीजिए या फिर गूगल लेंस के द्वारा इसे स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद एप्लीकेशन के सारे परमिशन को अलाउ कर देना है। अगर आपको मोबाइल का कास्ट करना है स्क्रीन, तो उस पर डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे जाना है और टीवी में आपको क्यूआर वाले ऑप्शन पे चले जाना है। डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे जाने के बाद स्कैन कोड का ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड आपके टीवी का जो क्यूआर कोड ओपन है उसे स्कैन करके कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद सिंपली गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। देन आप देख सकते हैं स्क्रीन शेयर हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पे और भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप अपने गैलरी का फोटो या वीडियो डायरेक्टली कास्ट करना चाहते हैं, उसके लिए मोबाइल के टॉप कॉर्नर में देखेंगे तो वहाँ पे डिवाइस कनेक्टेड का ऑप्शन आएगा। सिंपली उस पे मॉडल को सिलेक्ट करना है और उसे कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपने पिक्चर को शेयर करना है या फिर वीडियो को शेयर करना है तो उस हिसाब से जो भी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं डायरेक्टली यहाँ से उसे कास्ट करेंगे, वो चीज़ टीवी में चलने लगेगी। सेम केस वीडियो के साथ होगा। अगर वीडियो प्ले करना चाहते हैं तो वीडियो वाले सेक्शन पे जाएंगे, कनेक्ट करेंगे, देन वीडियो को प्ले करेंगे। और साथ ही साथ अपने स्मार्टफोन को एज अ रिमोट यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सिंपली एप्लीकेशन को ओपन करना है, टॉप कॉर्नर में कनेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, डिवाइस नेम सेलेक्ट करके कनेक्ट कर लेना है और साइड कॉर्नर में देखेंगे तो रिमोट का ऑप्शन मिलेगा, उससे आप टीवी को डायरेक्टली ऑपरेट कर सकते हैं, जो भी चीज़ें ऑपरेट करना चाहते हैं। काफ़ी स्मूथ वर्क करेगा। डिपेंड करता है कि आप सेम वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्ट हो या फिर मोबाइल के हॉटस्पॉट के थ्रू आपका टीवी कनेक्टेड हो। तो काफ़ी अच्छा फीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड करती है फास्ट कास्ट वाले ऑप्शन में। इवन कि अगर आपके पास आईफोन हो उससे भी आप स्क्रीन मिररिंग कर सकते हैं या फिर आपके पास लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, उसके भी स्क्रीन को डायरेक्टली कास्ट कर सकते हैं अपने लॉयड के एंड्रॉयड टीवी में। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोग फास्ट कास्ट एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आना, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। टीवी से रिलेटेड किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां पे डायरेक्टली मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या उसका नाम डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते जाइए। मैं मिलता हूँ इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।